वो भी कहेंगे कि हाँ मैंने कुछ किया है उनके लिए। सरकार मुझे नहीं दे रही जो मुझे चाहिए। मुझे दुख है इस चीज का कि हम इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद हमें सरकार हम लोगों का कोई नाम ही नहीं लेती है, कहीं जिक्र ही नहीं करती है। कहने को कि हम अनुदेशक हैं, लेकिन हम शिक्षक से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ उस विद्यालय में 3 अनुदेशक हैं। अभी जल्दी में ही एक टीचर आई है, सहायक है, और इंचार्ज के स्तर उनको चार्ज दिया गया है, लेकिन सारा काम हम लोग करते हैं। जितना भी काम है सब हम लोग करते हैं, पर जब वो टीचर नहीं थी तो ये कहा जाता था ये विद्यालय बंद है, जबकि कार्य सारा पूरा डिटेल में डीबीटी का हो चाहे वो कोई भी काम हो, सब हम लोगों के ही द्वारा किया गया है, पर हम लोगों का कहीं जिक्र नहीं है। इसलिए दुख होता है इस चीज का कि क्या सरकार सोच के हम लोगों को लेके आई है, क्या फ्री में सुविधा देने के लिए आई है। ठीक है, हम सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ तो सोचिए हमारे लिए, कुछ तो हमारा भविष्य बनाइए। क्या है हमारा भविष्य, क्या हमारा है, क्या हमारे बच्चों का है। मुझे इतना कष्ट होता है ये सोच करके, पर सिर्फ इतनी खुशी होती है कि जो आगे का भविष्य बना रहे हैं हम बच्चों के द्वारा, उनको हम जो दे रहे हैं उनके साथ ऐसी दिक्कतें ना आए जो कि हम लोग झेल रहे हैं। सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक बार भी उसको मन में ये नहीं आता है कि हम महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं, 50-50, 60-60 किलोमीटर जा करके हम लोग अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, न CCL है, न कोई बच्चों के लिए कोई सुविधा, ना सिर्फ 10 CL हम लोगों को दी जाती है। क्या सोच के क्या हम महिलाएं उन महिलाओं में नहीं आती जो टीचर हैं? सिर्फ हम लोग कहने के लिए टीचर है या अनुदेशक है? क्या हमको खुद नहीं समझ में आता है कि हम टीचर ही है या अनुदेशक है, पर काम आप टीचर का ले रहे हो और नाम हम लोग का अनुदेशक है। किस बिहार